स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल अंकल का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। अब ये लेक्चर के अंदर मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बाद जो कुछ भी कंक्लूजन दिए हुए वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो हम फर्स्ट कंक्लूजन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ऑफ पेयर्ड फैक्टर, और उसको यूनिट फैक्टर भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके अंदर एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ईच जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। ओके स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट कि ईच जेनेटिक कैरेक्टर, हमारे अंदर कोई भी कैरेक्टर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया था कि कोई भी कैरेक्टर है तो उसके लिए कितने फॉर्म्स होंगे, हमारे अंदर दो फॉर्म्स होंगे। एक कौन सा फॉर्म होगा, मैटरनल फॉर्म होगा, और दूसरा कौन सा फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, पैटर्नल फॉर्म होगा, है ना। तो ऐसे दो फॉर्म्स है, एक मैटरनल है और दूसरा कौन सा है, पैटर्नल फॉर्म है, ठीक है। एक मैटरनल गैमेट से आएगा और दूसरा कहाँ से आएगा, पैटर्नल गैमेट से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दिमाग में एक चीज आती है कि यहाँ पे फैक्टर वर्ड क्यों यूज किया हुआ है, जीन वर्ड क्यों यूज नहीं किया हुआ है, है ना। तो जीन वर्ड इसलिए यूज नहीं किया हुआ है स्टूडेंट्स क्योंकि मेंडल अंकल को जीन वर्ड मालूम ही नहीं था। ओके, मेंडल अंकल तो कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, फैक्टर वर्ड यूज कर रहे थे। वो ऐसा ही बोलते थे कि कोई भी कैरेक्टर है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, दो फैक्टर्स कर रहा है, ठीक है, एक मैटरनल फैक्टर और दूसरा पैटर्नल फैक्टर। जीन वर्ड तब यूज नहीं किया हुआ था, उनको मालूम ही नहीं था, तो उनकी सारी थियरीज में फैक्टर वर्ड यूज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन ऑफ पेयर्ड फैक्टर, है ना। अब स्टूडेंट्स हम सेकेंड कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। चलो स्टूडेंट सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हेन टू फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल, वन फैक्टर is able to express itself known as dominant factor. Okay students, यहां पर statement मैंने complete नहीं किया हुआ है, ठीक है students। यहां पर क्या है कि अगर कोई भी कैरेक्टर है हमारे अंदर तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हाँ दो फैक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल है। अब इसमें से जो एक फैक्टर है, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, यानी उसकी वजह से कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहे ऑफस्प्रिंग के अंदर, है ना, तो वो फैक्टर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। एंड अनदर फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ नोन एज रिसेसिव फैक्टर, है ना स्टूडेंट्स। कि हमने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में बोला था कि कैपिटल टी है, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। दूसरा था कैपिटल टी स्मॉल टी, वो भी प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके अंदर हाइट कैसा था स्टूडेंट्स, ड्वार्फ हाइट था, ठीक है। और ये जो कैपिटल टी है उसके अंदर हाइट कैसा था, टॉल हाइट था, है ना, प्लांट कैसा था, टॉल प्लांट था, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखें तो कौन सा फैक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फैक्टर। यानी जो दो फैक्टर्स, एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है, उसमें से जो भी एक्सप्रेस हो रहा है, अपने कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कौन सा फैक्टर बोलेंगे, डोमिनेंट फैक्टर। और जो
अपने कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव फैक्टर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे, और जो अपने कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसको हम कौन सा फैक्टर बोलेंगे, रिसेसिव फैक्टर। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी है वो कौन सा फैक्टर आएगा, डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जो दूसरा कि जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसको हम कौन सा फैक्टर, वो कौन सा फैक्टर है, स्मॉल टी है। ठीक है चलो स्टूडेंट्स, अब थर्ड कंक्लूजन हम देखते हैं, है ना। उसमें एक लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, है ना। उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऐसा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या है इसके अंदर, सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर ऑफ, द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पैर सेग्रीगेट, ओके, द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पैर। स्टूडेंट यहां पर सेग्रीगेट का मीनिंग क्या है, सेपरेशन, है ना। सो द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पैर सेग्रीगेट रेंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड द गैमेट, ओके स्टूडेंट्स। क्या बोला है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्म हो रहा है, द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पैर, द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पैर यानी हमको क्या सोचना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ठीक है। ये जो यूनिट फैक्टर है ना, दे सेग्रीगेट, सेग्रीगेट यानी वो सेपरेट हो रहे हैं, रेंडमली, रेंडमली सेपरेट हो रहे हैं और वो गैमेट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर, ओके स्टूडेंट्स। क्या बोला है इसके अंदर कि कोई भी कैरेक्टर है उसके कितने फॉर्म्स होंगे स्टूडेंट्स, दो फॉर्म होंगे, ठीक है। चलो अब गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, है ना, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन यानी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ये जो दो फैक्टर हैं वो दोनों साथ में एक गैमेट के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। ये दोनों सेपरेट होंगे, रेंडमली सेपरेट होंगे, ठीक है, और एक गैमेट के अंदर एक फैक्टर जा रहा है और दूसरे गैमेट के अंदर दूसरा फैक्टर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि जो ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है ना, ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है तो उसके जो गैमेट्स होंगे ना वो हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि इनको आगे जाके फ्यूज होना है, ठीक है। तो ये जब फ्यूज होंगे तब ऑर्गेनिज्म वापस डिप्लॉयड हो जाएगा, एंड गैमेट है वो ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं, तो उसकी वजह से इनमें से एक ही फैक्टर, है ना, इसमें से एक ही फैक्टर एक गैमेट के अंदर जाता है ना, और वो रेंडमली जाता है, ठीक है। सो ये जो लॉ है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, है ना, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, रेंडमली ट्रांसफर इनसाइड द गैमेट, ओके, वो रेंडमली गैमेट के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं और एक गैमेट के अंदर स्टूडेंट्स एक ही फैक्टर जाएगा, ठीक है, और गैमेट्स हैप्लॉइड ही रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोल सकते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे, है ना, कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का कुछ मिक्सिंग वगैरह नहीं हो रहा है और दो गैमेट के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। एज इट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एज इट इज जैसे है वैसे गैमेट के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योरिटी ऑफ
गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।